भूपेश बघेल आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे। रायपुर से दोपहर वे राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद वे आम सभा को संबोधित करेंगे और शाम को वापस लौट जाएंगे। सभा स्थल पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, आज सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव दौरा है, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा उनके द्वारा। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य प्रवक्ता मनोज मिश्रेकर फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, जैसा कि राजनांदगांव के दौरे पर आज भूपेश बघेल रहने वाले हैं, कितना खास उनका ये दौरा रह सकता है और आज जैसा कि वो विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे, क्या विशेष रहेगा इसमें? जी, आज राजीव गांधी आश्रय योजना पट्टा वितरण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण है स्टेट स्कूल हाई स्कूल पर। ये बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें बहुत सारी योजनाओं का भी लोकार्पण किया जा रहा है। करीब 88 लाख रुपए के आसपास का भूमि पूजन किया जाएगा आज जी। और लगभग कितने लोगों कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन वहां पहुंच सकता है? कि लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है जिसमें मोहम्मद अकबर जी वन मंत्री तथा प्रभारी राजनांदगांव जिला और विधायक डोंगरगांव दिलेश्वर साहू, इंद्र साहू मंडावी मोहला मानपुर, श्रीमती छन्नी साहू विधायक खुच्ची, भुवनेश्वर बघेल डोंगरगढ़ और देवराज सिंह। कितनी देर का ये कार्यक्रम है और कितने बजे से शुरू होगा मनोज? ये 2 बजे से शुरू होगा मैडम और 4 बजे तक इसका कार्यक्रम स्टेट हाई स्कूल मैदान पर चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर